पहले तो मैं ही बता दूं मैंने क्या क्या लिया है। एक तो लिया है एयरपोर्ट्स सेकंड जनरेशन, ये आईपैड सेवन जनरेशन 32 GB स्पेस ग्रे, ये अराउंड इंडियन करेंसी में पड़ गया 19,400, ये है इंडिया में अराउंड 30,000 का, तो ये भी देख लो 10,000 से ऊपर का फर्क है। 256 मिलेगा आपको 4050 इंक्लूडिंग टैक्स, तो ये पड़ गया 256 GB 81 का, और वहाँ पे 1,14,000 का जो मयंक ने लिया था। देख लो इसमें भी काफी ज्यादा फर्क है, अराउंड 30,000 से भी ऊपर का फर्क है। तो अभी मुझे एक लेंस और लेना था जो कि क्या है सिग्मा का 16mm 1.4 कैनन के लिए, और एक लेना था मुझे गोरिल्ला पोर्ट जो कि क्या जोबी का 3K विद बॉल हेड। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 24 फरवरी 2020, मैं हूं अभी दुबई में, आज मेरा तीसरा दिन है यहां पर। तो हमने जो जिवोरा होटल में चेक इन किया हुआ था 3 दिन से, वो आज हमने चेकआउट कर दिया। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1, तो हम एक नए होटल में आ गए, या अपार्टमेंट कह सकते हो आप। तो जिवोरा होटल काफ़ी महंगा था, पर डे हम 5800 रुपीज़ के आसपास दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 2600 रुपीज़ के आसपास दे रहे हैं पर नाइट, यानी पर पर्सन सिर्फ 1300 रुपीज़। तो भाई साहब काफ़ी सस्ता है, अपार्टमेंट है, पूरा टूर दूंगा मैं आपको इसका अच्छे से। तो ये हमने 2 दिन के लिए बुक किया मेक माई ट्रिप से, आप भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं यहाँ का। बाकी आते ही हमने पूरा रूम फैला दिया, लेकिन जब हम आए थे मैंने फटाफट से एक रूम टूर ले लिया था, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद हम पूरा फैला देते इधर उधर कचरा वचरा। तो आप पहले वो फुटेज देख लो, मैंने पूरा टूर दिया अच्छे से, और फिर वापस आ जाना, मैं बताऊंगा करने क्या वाले हैं हम आज। तो भाई ये देख लो, ऐसा कुछ अपार्टमेंट है, यहाँ पर बाथरूम है नॉर्मल, बाथ टब वगैरह कुछ नहीं है उस होटल जैसा, लेकिन साफ सुथरा बाथरूम है, जितने रुपये पे करे उसके हिसाब से एक ही बाथरूम है। यहाँ पर एक अलमीरा टाइप बनी हुई है जहाँ पर आप लॉकर भी दे रखे अपना कुछ रखना हो। इसके अलावा यहाँ पर एक अलमीरा ये है, यहाँ पे भी आयन दे रखी है, तो ये अच्छी चीज़ है। टेबल दे रखा है ऊपर, यहाँ पे पिलो विलो रखे एक्स्ट्रा, और ये बंद हो जाता है, पूरा मिरर भी है ये। उसके अलावा यहाँ पे पूरा एसी का पैनल दे रखा है, यहाँ पर सेंट्रलाइज एसी लगे हुए हर होटल के रूम्स में। ये तो अपार्टमेंट है, खैर ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इस तरह का अपना पूरा अपार्टमेंट है। सबसे पहले ये किचन एरिया यहाँ पे पूरा रखा हुआ है, ये गैस है, माइक्रोवेव है, केटल है, ऊपर वहाँ पर टोस्टर रखा हुआ है, यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन है, सबसे अच्छी चीज़ है वॉशिंग मशीन, हम कपड़े धो सकते हैं, लॉन्ड्री के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके ऊपर गैस में है, यहाँ पर बर्तन अभी दे नहीं रखे, हम मंगवा लेंगे बर्तन कुछ पकाना वकाना हो। बाकी यहाँ पर सारा कुछ करछी वर्छी और चम्मच वम्मच चाकू वाकू सब रखा है। ये है अपना बेडरूम टाइप एरिया, पहले यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेबल है जहाँ हमने बैग रख लिया है, एक ये फ्रिज है जो खाली है पर काम करता है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। पानी की बोतल यहाँ पे भी 2 मिली है, मुझे नहीं पता कि फ्री होगी कि नहीं बाकी की बोतल्स लेना, लेकिन 2 तो है। ये पूरा का पूरा बेड है, डबल बेड है, आप सिंगल सिंगल 2 भी ले सकते हो बेड, या डबल भी ले सकते हो, अच्छा बेड है काफ़ी। यहाँ राइट साइड में टेबल रखा हुआ है, लैंप है, लैंडलाइन है, यहाँ पर एक टेबल है, मिरर है, यहाँ पर छोटा सा एक स्टूल टाइप का है, ये एक टीवी लगा हुआ है शायद से 32 इंचेस का, जो हमने चला के नहीं देखा, स्मार्ट टीवी होगा। एक ये टेबल है काम वाम करने के लिए, काउच है यहाँ पर, एक और टेबल है सेम, बाकी तो कुछ खास नहीं है रूम में, सेम ही है। व्यू जो है वो इतना खास लगा नहीं मुझे, क्योंकि सामने भी अपार्टमेंट है। ये थोड़ा एरिया पीछे की साइड है, मतलब थोड़ी भीड़ भाड़ आसपास कम है, और इस अपार्टमेंट पे भी काफ़ी कम लोग रुके हुए हैं, तो मतलब कि खाली खाली सा है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। छत पे इसके एक स्विमिंग पूल भी है, तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, स्विमिंग पूल दिखा देता हूँ कैसा है रूफ टॉप पे, तो वहाँ पे भी शायद भीड़ ना हो। तो ये देखो भैया 7th फ्लोर पे इनका पूल है, और पूल एरिया पूरा खाली पड़ा है, वहाँ पे कुछ बैठने के लिए भी बने हुए हैं। तो अभी इसकी वो दिखाऊँ, गहराई तो 1.05 मीटर्स है, तो मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे को स्विमिंग नहीं आती है। तो मैं ये देखो टावल वावल लपेट के आ गया हूँ, आधा घंटा यहाँ पे बिताऊँगा, उसके बाद जाएंगे दुबई मॉल हम, क्योंकि वहाँ पे हमने एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू की बुकिंग करी हुई है। 4-5 बजे निकलेंगे आराम से चिल करके। मेरा फ़ोन कहाँ रखा है पता नहीं, अनमोल का फ़ोन भी गुम हो गया, कहाँ गुम हो गया। तो लो जी, आधा घंटा स्विमिंग करने के बाद नहा धो लिया आराम से बिल्कुल। और एक चीज़ और बतानी है आपको, तो दुबई आने से पहले वाव की तरफ से मुझे कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे। अब अपनी बताऊं या मयंक की बताऊं, तो हम काफ़ी टाइम पहले से ही वाव के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं दूसरे व्लॉगर्स को देखकर, तो मैं तो मतलब हो गया मेरे को 3-4 महीने, लेकिन ये तो 5-6 महीने से यूज़ कर रहा है शायद से। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है वाव की तरफ से एप्पल सीडर विनेगर शैम्पू, तो ये मैं पिछले 2.5-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया शैम्पू है ये, क्योंकि मेरे विंटर्स में डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफाई करता है हेयर को भी और स्कैल्प को भी, इट रिड्यूसेस फिज, और ये हर टाइप के हेयर को सूट करता है। और जैसे कि आप नाम से ही पता लगा पा रहे हो, ये पावर्ड बाय 100% प्योर एप्पल साइडर विनेगर। इसके अलावा वाव की तरफ से आने वाला एक हेयर कंडीशनर भी भेजा है, ये हेल्प करता है आपके वीक थिन एंड
डैमेज हेयर को रिवाइव करने में। इसके अलावा बालों को स्ट्रॉन्ग एंड ग्लोसी बना देता है। और सबसे अच्छी चीज ये टोटली फ्री है हार्मफुल सल्फेट्स और पैराबेन से, और कंडीशनर भी हर टाइप के हेयर को सूट करता है। और तीसरा प्रोडक्ट भेजा इन्होंने वाव का हेयर मास्क। अब ये मैं तो यूज नहीं करता था, लेकिन मयंक काफी टाइम से यूज कर रहा है। मैं इसको हफ्ते में एक बार यूज कर लेता हूँ या तो दो हफ्ते में एक बार, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है शायद, क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे क्योंकि मैं बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करता था, जेल वैक्स जो भी होते थे स्प्रे वगैरह, उसकी वजह से मेरे काफ़ी हेयर डैमेज हुए। फिर मैंने बहुत दिनों बाद जाके रिस्ट अपने बालों को रिस्टोर करने की कोशिश की, तो ये वाओ का जो ये एप्पल साइडर विनेगर और ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल करके दो तीन आते हैं हेयर मास्क, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। उनसे मेरे को काफी मदद मिली है, जितने बचे हुए ना बाल इनकी वजह से ही बचे, नहीं तो बचते ही नहीं थे। और ये हेयर मास्क आपकी बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसके अलावा वॉल्यूम अच्छी कर देता है। और इसकी भी सबसे अच्छी चीज, इसमें कोई भी पैराबेंस, मिनरल ऑयल, कलर और सिलिकॉन्स नहीं डले हुए हैं। तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको खरीदना तो खरीद सकते हो। मैं तो ये दो चीजें यूज कर ही रहा था, अब से मास्क भी करूंगा। चलो भाई निकल चुके हैं हम अपने अपार्टमेंट से, और दुबई मॉल जाना है क्योंकि बुकिंग कर रखी है हमने अंडर वाटर एक्वेरियम एंड जू की। लेकिन अभी जो है मयंक अपना कुछ सामान जैसे चार्जर वार्जर जो है वो जिवोरा होटल में भूल चुका है, तो हमने उनको फोन कर दिया, वो नीचे रिसेप्शन पे छोड़ जाएंगे और हम फटाफट से वहां से लेकर दुबई मॉल निकलेंगे। फिर मिल गया यस सारा सामान और तेल भी दे दिया। चलो बढ़िया, अब निकलते हैं दुबई मॉल के लिए। तो लो जी पहुंच गए हैं दुबई मॉल, और भाई साहब टैक्सी का आया 40 दिरहम यानी 800 रुपीज़, अराउंड 15-16 किलोमीटर चलवाई होगी। और अभी मुझे माइक निकाल के रखना पड़ेगा क्योंकि कल भी हमें दुबई मॉल में रोका गया था माइक यूज़ करने से, तो माइक हटा देता हूँ फिर शूट करता हूँ। वापिस से भटक भुटक के मैकडोनल्ड्स आ गया कल की तरह, और कल वाली वही सेम मील ले लिया, बट आज मीडियम साइज ले लिया, कल स्मॉल साइज था। कल दिए थे 40 दिरहम, आज आ गए हैं 45 दिरहम में, दो मील, वही दो बर्गर थे उसमें, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी पूरी। 45 दिरहम का मतलब है 900 रुपीज़ इंडिया करेंसी में। खाते हैं फटाफट से और फिर एक्वेरियम में घुसते क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, अराउंड 6 बज गए हैं शाम के। तो ये टिकट्स खरीदने के लिए यहाँ से भी आप ले सकते हो, अगर ऑनलाइन खरीदिए तो सीधा जा सकते हो वहाँ पर। तो ये देखो इस तरह का रास्ता जाता है। अब जिन्होंने टिकट नहीं लिया वो बाहर खड़े हुए ऐसे देख रहे हैं बाहर से पूरा एक्वेरियम ये देखो, लेकिन हम अभी अंदर जाने वाले हैं इसके। तो ये देखो भैया यहाँ से पूरी एंट्री है अंडर वाटर एक्वेरियम की। भाई साहब कितना सही लग रहा है ये, ऊपर देखो मछलियाँ ये रही, ओहो ये क्या शार्क लग रही है ना मेरे को, ओ तेरी भाई, मतलब लिटरली इतनी दूरी पर है हमसे। और ये देखो सारी वो मयंक भी शूट कर रहा है, वो काफ़ी लंबी टनल है ये एक्चुअली। मैं जब मलेशिया में गया था ना अंडर वाटर एक्वेरियम, वो बड़ा छोटा सा था, लेकिन भाई साहब ये पूरी लंबी अच्छी खासी टनल है और काफ़ी सारे यहाँ पर फिशेज हैं। हमने जो टिकट बुक करी थी ना वो करी थी मेक माई ट्रिप से अराउंड 1200 या 1300 रुपये की पर पर्सन, उसमें अंडर वाटर जू एंड अंडर वाटर एक्वेरियम की एंट्री फ्री है, मतलब एंट्री ले सकते हो। अगर आपको और एक्सपीरियंसेस लेने जैसे स्कूबा डाइविंग वगैरह, तो आप बाहर से अलग से टिकट्स परचेज कर सकते हो, लेकिन हमने नहीं करी है। देखो केज में दो बंदों को कैद कर रखा है, वो भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, शार्क बिल्कुल आपके केज के बाहर आ जाएगी, उसके अलग से चार्जेज है, वो आप बाहर देख लेना टिकट काउंटर पे। तो नीचे वाली फ्लोर पे तो एक्वेरियम था, अब उससे ऊपर जाके है अंडर वाटर जू, टिकट सेम है वही जितने पे करे थे उसी में, तो देखते हैं वहाँ जाके क्या मिलता है। तो यहाँ पे इस तरह की मशीन्स रखी हुई है, इनकी मदद से आप जान सकते हो फिशेज के बारे में, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ भी सकते हो, ये देख लो यहाँ पे। और ये असली फिशेज नहीं है, ये स्क्रीन लगी हुई है। तो यहाँ पे देखो दो रास्ते जा रहे हैं, लेफ्ट में है एक्सप्लोरर वाला अगर आपने वो टिकट ली है, अगर टिकट नहीं लिया तो नॉर्मल जू के लिए आप इधर से जाओ। तो हमने खाली नॉर्मल टिकट लिया जू की, यहाँ पे भी है देख लो। तो यहाँ से आप देखो शार्क एनकाउंटर और एक्सप्लोरर वाला एक्सपीरियंस ले सकते हो, जिसके अलग से टिकट थी पूरी, और अपना रास्ता यही है नॉर्मल। ये देखो पंखों वाली मछली, मतलब इनके सबके नाम है अलग अलग लेकिन हमें पता नहीं है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है माको शार्क, ये सब आप पढ़ सकते हो। और ये है सामने जू की एंट्रेंस, अब देखते हैं जू में क्या क्या मिलता है। तो जू के अंदर भी मछलियाँ ही रख रखी है, देखो ओ वो देखो इस पे कोई पक्षी है, वो दिखा दिखा ऑरेंज कलर का ये जिसके पंख है। तो ज्यादातर तो यार यहाँ पे भी मछलियाँ ही है, ये देखो भाई साहब कितनी कितनी सी मछली है, इतनी इतनी सी बिल्कुल चिन्नू सी। क्या सीन है भाई, जू के नाम पे मछलियाँ ही दिखाई जा रही है यहाँ पे भी, है वही मैं।
मछलियाँ दिखा रहे हैं यहाँ पे, वही तो दिखा रहे हैं भाई। ये देखो भाई लोग, मयंक का ब्रदर। तो ये देखो भैया सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, कितना छोटा सा है पर कितना खतरनाक लग रहा है भाई। सब देखना आँख खोल रखी है ना, तो आँख दिखाता है वो। तो ये सही बना रखा है, ये देखो इसके अंदर जाके फोटो खिंचवा सकते हो। इसका रास्ता देखो यहाँ से जा रहा है, अंदर चले जाओ इसके। One hour later. ये देखो इतनी घिनौनी चीज, मेरे को तो देखते डर लगने लग जाता है मकड़ियों से। ओ भाई साहब, अगर ये जिंदा हो जाए तो क्या होगा। तो ये जगह पूरी रेड हुई पड़ी है, पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। कुछ तो पक्का खतरनाक चीज होने वाली है मकड़ियों जैसी। ओ ये लिखा है ब्रांडेड सेटबर्ग, पता नहीं है कोई तो जानवर है जो मुझे दिख नहीं रहा अंदर अभी तक। पर ये इतना खतरनाक सीन क्यों दिखा रखा है भाई, ये कुछ तो खतरनाक है। तो ये दिखा है ना ढंग की चीज, ये देखो फॉल्स कोबरा, वो रहा शायद ही दिख रहा हो आपको भाई साहब। भाई मुझे तो सांपों से, मकड़ियों से और ये जो कॉकरोच वोकरोच होते हैं बहुत डर लगता है, अलग सी घिन सी आती है। तो यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है देखो, जंगल की फील देने वाला पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई साहब क्रोकोडाइल, और ये पता नहीं कैमरा में लग रहा है नहीं, लेकिन असलियत में बहुत बड़ा दिख रहा है ये। अब पता नहीं ये पानी में अंदर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन की वजह से है या सच में ये इतना बड़ा भाई साहब। तो ये देखो ऊपर से दिख रहा है भाई साहब, और दो दो है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली में, बहुत बड़ा है क्योंकि ये दिख नहीं रहा कैमरा में आपको, लेकिन सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई साहब। और उसका बच्चा भी बड़ा है, लेकिन उसके हिसाब से तो भाई साहब छोटा ही लग रहा है। तो यहाँ पर देखो एक हिस्ट्री में से पुराना क्रोकोडाइल की वो बना रखी है स्कल्पचर, अब ये पता नहीं असली तो नहीं है, हड्डियाँ बनाई हुई है। बट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 112 मिलियन ईयर्स अगो ये था जिंदा। तो ये देखो मेरे सामने है वर्ल्ड का बिगेस्ट टेलीविज़न, अब ये सिंगल स्क्रीन तो नहीं है लेकिन ये काफ़ी स्क्रीनों को मिलके बना हुआ है। तो ये देखो लिखा भी है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट ओलेड स्क्रीन, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है इसको, काफ़ी बड़ा कैमरा में भी नहीं आ रहा। और ये एक्वेरियम के जस्ट ऊपर है देखो, वो रहा नीचे एक्वेरियम। भाई साहब सोचो इसमें गेमिंग करूँ तो क्या गदर मज़ा आएगा, सिनेमा हॉल भी फेल है इसके आगे। और यार एक्वेरियम तो ठीक ठीक था लेकिन जू में थोड़ा जू में बड़ा थोड़ा था। हाँ जू बड़ा भी था, इंटरेस्टिंग भी था, उसमें काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के प्राणी थे। पर आप ले सकते हो यार 1200-1300 में दोनों चीज़ों की टिकट मिल रही है, तो और क्या चाहिए। अब हम थोड़ा A380 का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो भी सही पे। ये देखो ये सिम्युलेटर है ना मेरे ख्याल से, हाँ तो ये भी आप खरीद सकते हो वहाँ से टिकट पूरी, और इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। टिकट प्राइस अगर आप करना चाहते हो तो 15 मिनट के, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, लगभग 15 मिनट के 4000 रुपये थे। One hour later. तो अभी आपने देखा मैंने सिग्मा का लेंस तो ले लिया, इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक आईपैड 7 जनरेशन और एयरपोर्ट्स लेने थे 2nd जनरेशन वाले। तो अभी लगभग मैंने इस लेन में बुर दुबई मार्केट है यहाँ पर सारी दुकानों में पता किया, और ये जो शॉप मिली है मुझे यूरो जोन करके, यहाँ पर बेस्ट प्राइस मिल रहा था। तो सबसे पहले तो मैं ही बता दूँ मैंने क्या क्या लिया है। एक तो लिया है एयरपोर्ट 2nd जनरेशन, ये पुराने वाले है, प्रो नहीं है ये। इसका क्या प्राइस है भैया यहाँ पर? 450 इंक्लूडिंग टैक्स है, मतलब 9000 रुपये हो गए इंडिया के, और ये वैसे इंडिया में मिल रहा है अराउंड 14-15 हज़ार का, तो 6000 रुपये का फ़र्क है इसमें। इसके अलावा ये एक है iPad 7 जनरेशन 32GB स्पेस ग्रे, इसका क्या प्राइस है? 970 इंक्लूडिंग टैक्स, ये अराउंड इंडियन करेंसी में पड़ गया 19400, ये है इंडिया में अराउंड 30,000 का, तो ये भी देख लो 10,000 से ऊपर का फर्क है। इसके अलावा भैया कुछ मोबाइल प्राइसेस बता दो। iPhone 11 64GB 2550 इंक्लूडिंग टैक्स, तो ये पड़ गया अराउंड 51,000 का, इंडिया में है 69,000 का, तो ये भी 18,000 का फर्क हो गया। और 11 128GB आपको मिलेगा 2720 इंक्लूडिंग टैक्स, तो ये पड़ गया यहाँ पे 54,400 का, और इंडिया में है 78,000। iPhone 11 256GB आपको मिलेगा 3150 में इंक्लूडिंग टैक्स, तो ये पड़ गया अराउंड 63,000 का, और इंडिया में कितने? इंडिया में 89,000 का, यानी कि अराउंड 26,000 का फर्क है। और आपको मिलेगा न्यू 11 Pro 64GB आपको मिलेगा 3600 इंक्लूडिंग टैक्स, 256 मिलेगा आपको 4050 इंक्लूडिंग टैक्स, तो ये पड़ गया 256GB 81 का, और वहाँ पे 1,14,000 का जो मयंक ने लिया था। देख लो इसमें भी काफी ज्यादा फर्क है, अराउंड 30,000 से भी ऊपर का फर्क है। बाकी जो प्राइसेस भैया बता रहे हैं वो सारे धीरम में है, तो अराउंड आप 20 से मल्टीप्लाई कर लेना और फिर इंडिया का प्राइस चेक कर लेना कितना पड़ रहा है। और प्रो मैक्स मिलेगा आपको 4000 इंक्लूडिंग टैक्स, और 256 मिलेगा 4600 इंक्लूडिंग टैक्स, एंड 512GB मिलेगा 4900 इंक्लूडिंग टैक्स। और अभी जो नया आया गैलेक्सी फोल्ड, वो आपको मिलेगा 6500 इंक्लूडिंग टैक्स मिलेगा इसमें गैलेक्सी फोल्ड। और एक दूसरा भी आया जेड फ्लिप, वो भी इंक्लूडिंग टैक्स आपको 6300 में मिलेगा, मतलब आज का प्राइस फर्क आएगा
डेली डेली प्राइस अप होते हैं और नीचे होते हैं। भैया इसमें एक चीज बताओ, कौन कौन से ब्रांड में इंटरनेशनल वारंटी मिलेगी? इंटरनेशनल वारंटी आपको मिलेगा खाली टू मॉडल। अच्छा, टू मॉडल, टू कंपनी एंड वन आईफोन एंड वन ओप्पो। मतलब मैं जो दोनों प्रोडक्ट ले रहा हूँ मेरे को इंटरनेशनल वारंटी, मतलब प्राइस में भी डिफरेंस काफी है और इंडिया में भी वारंटी मिल जाएगी इसकी, कोई दिक्कत नहीं। आपको मिलेगा 2000 इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है, एंड नॉर्टन मिलेगा इंक्लूडिंग टैक्स 2650 एंड एस्टम प्लस आपको मिलेगा इंक्लूडिंग टैक्स 2350 एंड गैलेक्सी फोल्ड ऑलरेडी बताया एंड एस्टन लाइट इंक्लूडिंग टैक्स 1950 और नॉर्टन लाइट इंक्लूडिंग टैक्स 1950 एंड नॉर्टन प्लस इंक्लूडिंग टैक्स 2835। ए सीरीज मिलेगा आपको A71 इंक्लूडिंग 1325, ठीक है, A51 मिलेगा 940 एंड A10S मिलेगा 440 एंड छोटा मोबाइल है और A20S मिलेगा आपको 525, ठीक है, और A50 मिलेगा आपको 750 और A70 मिलेगा आपको 1070। ये Mate 30 Pro आपको मिलेगा वॉच का साथ 5G 3619। अच्छा, वॉच के साथ, वॉच का साथ द न्यू वन 5G एंड 4G मिलेगा आपको 3333 इंक्लूडिंग ऑल। तो ये जितने भी प्राइसेस बता रहे भैया, ये अप डाउन होते रहते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा भी। तो एक बार व्हाट्सएप नंबर जो है वो भैया का दे दूंगा, बाकी कार्ड भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पूरे प्राइसेस देख सकते हो, बाकी वहाँ इसके अलावा परफ्यूम्स वगैरह भी है सारे। तो ये वाला सेक्शन है पूरा परफ्यूम्स का, सारे ब्रांडेड परफ्यूम्स मिल जाएंगे ना? कौन कौन से, कौन कौन से आपको? डियर का मिलेगा, जीवनजी मिलेगा, फिर दूसरा आपको एकाडीजियो मिलेगा, फिर दूसरा आपको कौन सा ब्रांड चाहिए सब इधर आपको होलसेल पर इसमें हम लोग दे दूंगा। अरमानी मिलेगा, बल्गारी, ये जेन्युइन होंगे ना पूरे? सब आपको ओरिजिनल ही इधर, सब ओरिजिनल ही, विशेष करके आपको ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर दूसरा यहाँ पे आपको इधर अरबिक पर, अरबिक, अच्छा, अरबिक में अच्छा भी बढ़िया वाला भी है। कितने से रेंज, कितने से स्टार्ट हो जाती है? सब 25-30 में स्टार्टिंग है। अच्छा, और कितने तक चले जाते हैं? चले जाते हैं 120, 140, 150 बस, मतलब मिल जाएगा इसी रेंज, वो भी मिलेगा। फिर 1000 का भी है, 2000 का भी है, सब रेंज में है अरबिक, सब लोग, हमारा प्राइस जो है बढ़िया प्राइस है। बाकी सेम ही शॉप में वॉचेज भी मिल जाएगी सारी ब्रांड्स की है? वॉचेस हमारे पास अभी सीको एंड कैश। अच्छा, ठीक है, उसके भी रेंज बता दो, कितने से स्टार्ट हो जाती है, क्या कहाँ तक? हमारे पास है सीको में तो हमारा ओरिजिनल रखता है, मतलब 300 में स्टार्टिंग है सीको, ठीक है, और फिर दूसरा केशियो आपको आएगा 60-50 में स्टार्टिंग है, वो कितने तक चले जाएगी? चले जाएगा 300-350 बस। फिर दूसरा आपको बढ़िया मॉडल मिलेगा, लेडीज का, जेंट्स का, सब, मतलब सारे वैरायटी मॉडल इधर का, यहाँ का, फिर बाहर से, थाईलैंड से आता है, वियतनाम से आता है, सब ब्रांड मिलेगा। बाकी ऊपर वाली फ्लोर पे यहाँ पे सारे पर्सेस भी और सूट केसेस भी रखे हैं, लगभग सारी ब्रांड है। ये देखो दो शॉप है पूरी, ये वाली और पीछे भी, तो ये भी आप पता कर सकते हो। प्राइजेस वगैरह इनके मैं ज़्यादा बता नहीं रहा आपको, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आप भी ज़्यादा उसी में होंगे, इसलिए मैंने प्राइजेस बता दिया। ऊपर नीचे होते रहते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, बाकी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो इनसे। बाकी पीछे देख सकते हो यहाँ पर लैपटॉप भी है सारे, एप्पल में मिल जाएंगे लैपटॉप? एप्पल भी मिलेगा आपको, HP मिलेगा, लिनोवा मिलेगा, डेल मिलेगा, मतलब सारे ब्रांड्स हैं, एल्सर मिलेगा, सब मिलेगा आपको। और डिफरेंस कितना होगा इंडिया में? इंडिया सस्ता वाला देख, आपको कम से कम 10,000-15,000-20,000 का डिफरेंट है, मतलब है काफी। वो डिपेंड आइटम्स, i7, कोर i3, i5 और इनकी वारंटी कैसी? इंटरनेशनल वारंटी पूरी रहेगी, कोई भी, तो ठीक है यार, ये भी मतलब कुछ नुकसान नहीं है आपका, अगर कुछ खराबी होती है तो आप सर्विस सेंटर से इंडिया में करवा ही सकते हो फिर तो। इसके अलावा ये सैमसंग की वॉच है, इसमें भी काफी डिफरेंस है, ये है यहाँ पे 700 dirhams यानी कि 14,000 की, और इंडिया में 28 की, मतलब 14,000 का ही फर्क हो गया, 50% एक तरह से। पर इसकी इंटरनेशनल नहीं है वारंटी, इसकी नहीं है, बट खराब कहाँ ही होती है अगर प्रोडक्ट पैक है। सैमसंग में कभी भी खराब, ये सैमसंग वॉच किसी भी एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट हो जाती है, तो जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनके लिए बेस्ट चीज है। बिल्कुल। बाकी ये भैया टेबल पे ये रख रखा है रोबोट, क्या चीज है? स्पीकर वगैरह? रोबोट विद स्पीकर। अच्छा, स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर। कितने का ये? आपको 5,000 रुपए। बड़े चीज है, देखो पूरा बोल भी रहा भाई साहब। बाकी मेरे पीछे सारी एक्सेसरीज लगी हुई है, कवर लगे हुए फरारी वगैरह के, तो सब आपको मिल जाएगी। अब एक एक चीज़ का प्राइस बताना तो मुश्किल है वीडियो में, तो आप कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखी है। तो अभी मुझे एक लेंस और लेना था, जो कि क्या है, सिग्मा का 16mm 1.4 कैनन के लिए, और एक लेना था मुझे गोरिल्ला पोर्ट, जो कि क्या है, जोबी का 3K विद बॉल हेड। तो ये इंडिया में अराउंड 4500 का है, यहाँ पे मुझे पड़ा है 210 dirham यानी कि 4200 का, इसमें इतना रेट में फ़र्क नहीं है, लेकिन सिग्मा वाले लेंस में काफ़ी फ़र्क है। ये मुझे अराउंड पड़ा है यहाँ पे 1270 का, और मतलब इंडियन करेंसी में लगाओ तो 25,000 के आसपास, और इंडिया में ये है 36 का अमेज़ोन पे, लेकिन लोकल मार्केट में अराउंड 35 तक का मिलेगा, तो इसमें है 10,000 का फ़र्क लगभग।
और वारंटी भी इसकी इंडिया में मिल जाएगी 2 साल की, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर मेरे को टैक्स फ्री का जो प्लैनेट एम का वो मिलता है रिफंड 5% का, वो मेरे को एयरपोर्ट पे जाके मिलेगा, तो और सस्ता पड़ गया ये। तो 2 वीडियो पहले मैंने आपको अस्मा ट्रेडर्स का बताया था जब मैंने सिग्मा का लेंस लिया था, तो इस लाइन में बुर दुबई में जितनी भी मार्केट में शॉप है सबसे सस्ता लेंसेज का तो मुझे यहीं पर मिला है। तो अगर लेंसेज वगैरह लेने हो तो आप अस्मा ट्रेडर पर आना बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी सस्ते मिल गए हैं। हाँ, विद बिल, विद टैक्स रिफंड, और सबसे अच्छी चीज़ सिग्मा की वारंटी है इंडिया में। अगर ये थी दुबई की चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो कि है बुर दुबई में, चीज़ें मैंने भी काफ़ी खरीद ली है, अभी भी कुछ चीज़ें लेना रह गया क्योंकि आधी से ज़्यादा शॉप बंद हो गई थी। आप कोशिश करना रात को 10:30 से पहले ही ले आना। अब मैं शायद से कल जाऊंगा और प्ले स्टेशन और एक और लेंस लेना है मुझे, तो वो भी मैं शायद से आपको इसी वीडियो में दिखा चुका हूँ कल की फुटेज भी, शायद से अगर लिया होगा तो, वरना नहीं लिया होगा तो आप यही देख रहे होंगे डायरेक्ट फुटेज। तो चलो यार, फिर इस वीडियो के लिए नहीं रखते, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, इसने भी चैनल बनाया हुआ है, ये भी ब्लॉग्स डाल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज सीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। और कल हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए, मस्त वीडियो बनेगी। सो लेट्स चलो जी, बाय 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 बाय, हाथ मार दे, बाय बाय बाय।